You know, three things are of utmost importance in our life. Number one is availability, and number two is our ability, and number three is utility. Uplabdhata, patrata, aur upyogita. Ab isko hum gyan ke context mein, wisdom ke context mein dekhte hain. You know, gyan ki hamare paas uplabdha hai. Do you all agree? Yes. Yes. Scriptures hamare भरे पड़े हैं तमाम, and with the, when we are associated with the art of living, we have a living enlightened master with us. तो ज्ञान की उपलब्धता हमारे पास है. Yes. पर क्या हमारे अंदर पात्रता है उस ज्ञान को ग्रहण करने की, है ना? To an extent we have. Yeah, yeah. और कुछ हमें बढ़ानी भी है आगे चलकर. Yes? Yes. और तीसरा, वो ज्ञान हमने ग्रहण भी कर लिया तो लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए. Right. You know? अगर वो ग्रहण कर लिया उसको उपयोग नहीं कर पाए तो भी वो ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है, है ना? इसी को हम फूड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. यू नो, न्यूट्रिशियस फूड इज अवेलेबल विद अस. यस, वी आर नॉट डिप्राइव्ड पीपल. हमारे पास न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता है हमारे पास. But are we able to absorb it? No. यहाँ no. शायद थोड़ा फेल yeah, है yeah. हमारा. देखिए, हमने न्यूट्रिशियस फूड ले तो लिया, पर हमारी आंतों में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज रेस्पॉन्सिबल टू एब्सॉर्ब ऑल दोज न्यूट्रिशंस, मल जमा है, टॉक्सिन्स जमा है उसमें. You know, you will be surprised when we go through this very beautiful process called Shankh Prakshalan in our Shri Shri Yoga Level 2 program. जो toxins निकलता है उसके बाद में, जिसका आप witness करते हो, बहुत संभावना है आप अपने आप से hate करने लग जाओ. आप बोलोगे इतना गंदगी में अपने अंदर carry कर रहा था क्या? That toxins आपको वो nutrients को absorb नहीं करने दे रहा है ना. अभी आगे उस absorb करने के बाद में उसको ऐसी form में convert करना जो आपके लिए useful हो, energy प्राणा में convert करना, वो भी टू हद तक, एक हद तक restricted है. अच्छा, हम कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जहाँ उस energy का जरूरत है वहाँ तक हम पहुँचा पा रहे हैं क्या? Again our energy channels are blocked. Yeah, yeah. You understand? जहां जरूरत है वहां पहुंच नहीं पा रहा. तो यहाँ रोल आता है श्री श्री योगा लेवल 2 प्रोग्राम का. यहाँ जो हमारे योगिक स्क्रिप्चर्स में जो शोधन प्रक्रियाएं बता नहीं, षट कर्म, षट क्रियाएं बोलते हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ षट क्रियाओं के थ्रू हम गुजरते हैं. लाइक शंख प्रक्षालन इज गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव ट्रैक, वी डू जल नेति इज गुड फॉर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नर्वस सिस्टम को हम लोग स्ट्रांग बनाते हैं. Apart from it, we go through certain meditations, certain pranayama, which cleanses our energy channels, जो energy blocks हैं उनको cleanse करते हैं. One beautiful meditation, we call it sleeping meditation. In fact, it's a beautiful process to strengthen and heal your muscles. जहाँ भी आपको जरूरत है वहाँ आपको muscles को strength मिलता है, healing gets started. कितना सुंदर तरीके से हो जाता है ना, और आप जो जो सोचते हो नहीं कर पाते वो भी आसनाज आप करने लग जाते हैं. यस, एंड नंबर थर्ड, पतंजलि योग सूत्र जिसमें जीवन का ज्ञान छुपा है, जीवन का विज्ञान छुपा है, उसको उसको डिकोड किया जाता है ना, उसको उस जैसे कि हम लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उसे यूटिलाइज कर पाए. सो इट्स सच ए ब्यूटिफुल कोर्स. आई बिलीव एज ए साधक हमें इसके थ्रू गुजरना चाहिए. वो तमाम ऑब्स्टिकल्स जो हमें साधना में, हमारी जो हमारा हमारी प्रोग्रेस में जो हमें बाधक बन रहे, उनको वी शुड एड्रेस इट. व्हेन यू कंप्लीट श्री श्री योगा लेवल 2 प्रोग्राम, योर मेडिटेशन स्टार्ट डीपनिंग, आपके बहुत गहरे ध्यान होने लग जाते हैं. कई लोगों का तो यहाँ तक अनुभव है, वो बोलते हैं कि हमने 4-5 एडवांस कोर्सेज किए तब भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, तो हमें एक लेवल 2 प्रोग्राम में हुआ. तो मुझे लगता है वी शुड नॉट मिस ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वी शुड जस्ट जंप इन. यस, ग्रेट, टेक केयर, जय गुरुदेव.